मैं पहली बार इतना अच्छा और अच्छे क्वालिटी का रेस्टोरेंट बनाया। बाय द वे, मैं हूँ राहुल, आप देख रहे राहुल द ब्लॉगर और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है 11:10 और मैं आज निकला हूँ पत्थरकंदी जाने के लिए। और पत्थरकंदी में एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है जो कि अभी तक का बेस्ट रेस्टोरेंट है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। बहुत मुझे फोन किया था लेकिन मेरा कुछ काम की वजह से मैं नहीं जा पा रहा था, तो आज सोचा जाता हूँ, मेरा कुछ काम भी है वो भी हो जाएगा और आपको एक ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन से मैं एकदम ब्लॉग नहीं बना रहा था तो सोचा ब्लॉग भी हो जाएगा। सुबह सुबह न्यूज में देखा कि त्रिपुरा का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने भी है टूरिस्ट स्पॉट्स है वो 1 तारीख से यानी कि 1 अक्टूबर से खुल जाएगा और उसके बाद हम जा सकते हैं। हमारे नज़दीक त्रिपुरा है, त्रिपुरा में बहुत अच्छे अच्छे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, मैं घूमा हूँ लेकिन वीडियो नहीं बना रहा था, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो सोचा अगर 1 तारीख को खुलता है और जाने का कोई अच्छा ट्रांसपोर्ट मिल जाता है तो मैं ज़रूर जाऊँगा और आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लॉकडाउन में मैं भी घर में बोर हो रहा हूँ और आप भी हो रहे होंगे। ट्राई करूँगा त्रिपुरा में जाके और अच्छे अच्छे ब्लॉग देने की। अभी आया था बैंक में और बैंक में काम हुआ नहीं, बैंक में मैं बोला 1 घंटा बाद आने के लिए और आज धूप भी बहुत ज़्यादा है। कल भी आया था बैंक में और आज भी आया, काम फिर भी नहीं हुआ। ये जो देख रहे हो रेस्टोरेंट, यहाँ पर जाना है लेकिन रोड क्रॉस करने का जगह ही नहीं है, इतना कीचड़ है। देख लो रोड का हालत, देख लो रोड का हालत ख़राब है। मैं उस तरफ जाना है, या तो मैं 200 मीटर आगे से घूम के जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, इस तरफ क्रॉस होने का कोई चांस नहीं है, पैर पूरा गंदा हो जाएगा। मुझे अभी जाना है, ये जो रेस्टोरेंट देख रहे हो इसमें जाना है। ये आया हूँ देखो पत्थरकंदी में, इस तरह का रेस्टोरेंट शायद ही आपने देखा होगा, कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। देख लो फोन किया था कि भाई आओ ये नया रेस्टोरेंट खुला हो देख के जाओ, तो मैं आ गया। देखो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आ सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। 2-3 दिन ही हुआ है ये इसका ओपनिंग हुआ है। पत्थरकंदी में पहली बार इतना अच्छा और अच्छे क्वालिटी का रेस्टोरेंट बना है, बहुत सारे हैं लेकिन उनमें सिर्फ समोसा मिलेगा, परोठा पुलाव वगैरह मिलेगा। हमें अगर पार्टी करना है या कोई दोस्तों के साथ कुछ अच्छा पिज्जा का मजा लेना है, कुछ भी मजा लेना है, तो पत्थरकंदी में नहीं था लेकिन 2-3 दिन से यहाँ पर खुला है जो आबार खाबो एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उसमें आप वो वगैरह खा सकते हो। क्या क्या है मेनू में आपको दिखा दूंगा और देख लो, बहुत ही जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का बना है बहुत ही अच्छा है, और आप दोस्तों के साथ आके बैठ सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो और अच्छे अच्छे जो फास्ट फूड का मज़ा भी ले सकते हो। और ये अच्छे अच्छे चीज़ का मज़ा लेने की हमें जाना पड़ता था करीमगंज में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, 5-स्टार रेस्टोरेंट में, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मिलेगा। ये दशकर्मा भंडार है, ये फर्स्ट फ्लोर पर है और दशकर्मा भंडार इधर दिखाई दे रहा है, दशकर्मा भंडार के अपोजिट में है। इस रेस्टोरेंट से कितना अच्छा व्यू मिल रहा है पत्थरकंदी का, देखो पूरा पत्थरकंदी के मिडिल में है रेस्टोरेंट। जैसे कि देख लो आप, मोमो मिल सकता है आपको, रोल मिल सकता है, पिज्ज़ा मिल सकता है, स्नैक्स मिल सकता है और नूडल्स, यहाँ पर बर्गर्स और यहाँ पर तंदूरी ग्रिल, चिकन ग्रेवी, चिकन स्क्रिप्सी, चिकन पनीर, रोटी, ड्रिंक्स और क्या है टेस्ट का क्या बताओ, बहुत ही बढ़िया था। एग रोल ऑर्डर किया था मैंने, बहुत ही बढ़िया है टेस्ट और सच में बहुत अच्छा है। अगर आप आते हो तो कुछ भी टेस्ट करके देखना, बहुत ही अच्छा है। मैंने खुद एग रोल ट्राई किया है, बहुत ही बढ़िया, मुझे अच्छा। तो अभी मेरे साथ है इस जो आबार खाबो रेस्टोरेंट का जो ओनर है, वो है, वो कुछ बताएंगे हमारे जो व्यूअर्स है और उनके रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताएंगे। हाँ मेरे रेस्टोरेंट आप लोग आइएगा ज़रूर, एक बार आके टेस्ट करके देखिएगा कि कैसे लगता है, और जो भी है आप लोग एक बार टेस्ट करके जाइएगा, अगर खराब हुआ तो उसका जिम्मेदारी मेरा होगा और अच्छा हुआ तो आप लोग इससे शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।
और एक चीज मैंने देखा, बहुत सारी चीज जैसे मैंने देखा वारगार और जैसे चिकन फ्राई, बहुत सारी चीज जो हमें यहाँ पर पत्थर कांदी पहले नहीं मिलता था, हमें जाना पड़ता था करीमगंज में। करीमगंज अच्छा थ्री स्टार रेस्टोरेंट में जाने जैसा खाना मिलता था, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे चीज जैसे मिल रहा है, लेकिन सभी को पता नहीं है पत्थर कांदी में। तो मैंने इसीलिए, मेरे जो ये जान पहचान है बहुत पहले से दादा से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने एक रेस्टोरेंट अच्छा खुला है, तो एक बार आके जो व्यूअर से दिखा देना कि अगर आप पत्थर कांदी में आते हो और आप अगर पत्थर कांदी के नजदीक से हो तो एक बार विजिट करना और आपको जरूर पसंद आएगा। और क्या क्या स्पेशल है इसमें? देखिए स्पेशल मेरे मेनू में करीब 150 से 200 आइटम है, उसमें मेरे सभी स्पेशल है। फिर भी अगर कोई चीज स्पेशल हो तो यहाँ पे जैसे कि आप पिज्जा खा सकते हैं, हैदराबादी बिरयानी खा सकते हैं और चिकन फ्राई, चिकन ग्रिल ये सब खा सकते हैं। ऐसे तो बहुत ही है, सभी मेरे लिए स्पेशल है। हाँ, एक चीज मैं देखा पत्थर कांदी में बहुत सारे रेस्टोरेंट है। हाँ। उनमें सिर्फ मिलेगा आपको परोठा मिलेगा, पुलाव मिलेगा, ऐसे 2-3-4 जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट में होता है वही मिलेगा आपको स्पेशल। मान लीजिए कि यहाँ पर आके तो बर्थडे पार्टी कर सकते हैं डेफिनेटली, और पहले से कुछ अगर स्पेशल बनाना है। हाँ। या कुछ भी प्री ऑर्डर कर सकते हैं पहले। हाँ। प्री ऑर्डर मैं नंबर दे दूंगा, अगर कोई भी सामान अगर आपका बर्थडे पार्टी हो कुछ भी हो प्री ऑर्डर कर सकते हो, सब मैनेज कर देंगे दादा। केक वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ। सब मिल जाएगा यहाँ पर, अगर पहले फोन करके आप बता देते हो कि बर्थडे बुकिंग करते हो तो आपको जरूर पहले जानकारी देना होगा। और ऐसे भी आके कर सकते हैं पार्टी, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ भी आओ, मजा लूटो, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट है पत्थर कांदी में, लेकिन बैठने का ऐसा जगह नहीं है। और यहाँ के आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बैठने का जगह है, और अपने दोस्तों के साथ आ सकते हो। और मुझे भी, मैंने टेस्ट किया, जो मैं ज़्यादा जो ऑयली चीज़ नहीं खाता क्योंकि मैं थोड़ा डाइट में हूँ इसलिए, और ऑयली चीज़ नहीं खा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो मैं और ज़्यादा चीज़ टेस्ट करता। लेकिन मैंने जो अभी एग रोल खाया उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था सच में, अच्छा था। और मेरे दर्शक जरूर आएंगे, और उनके लिए अगर आते और मेरे थ्रू आते तो उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? डेफिनेटली, मेरा जो पहला कस्टमर होगा, मेरा एक रूल है, अगर जो भी पहला कस्टमर आएगा और मेरे डिश के साथ और मेरे दुकान के साथ जो फोटो खींच के सोशल मीडिया पे वायरल करेगा, उनको 10% डिस्काउंट एवरी कस्टमर। और अगर मेरे वीडियो के थ्रू आते हैं कोई, फिर भी मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपको ये पता चल गया कि अगर आप मेरे वीडियो देख के आते हो और बोलते हो कि राहुल भाई ने वीडियो छोड़ा था और वीडियो देख के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, तब 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा जो भी खाता। मान लो आपका 100 रुपए का बिल हो गया तो आपको 90 रुपया देना है। ये 10% डिस्काउंट अगर वीडियो देख के आते हो, और आओ जरूर, आपको मजा आएगा। मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा बनाते हैं खाना, और मैं बहुत देर से बैठा था क्योंकि पत्थर कांदी में बहुत सारे जगह बैठने का भी जगह नहीं था, तो मैं इधर बैठा और अच्छा भी लगा। तो ऑल द बेस्ट आपकी लाइफ में, बहुत ये जो अभी जो भी आएगा एक बार इस रेस्टोरेंट में आएगा जरूर वो दोबारा आएगा, क्योंकि मुझे भरोसा है, मैंने टेस्ट किया है खाना, एक्चुअली में बहुत टेस्टी है, आप आ सकते हो। थैंक यू दादा, मैं चलता हूँ अभी, बहुत लेट हो चुका है क्योंकि मेरा बैंक में भी कुछ काम है। पत्थर कांदी की रास्ता देख रहे हो हालत क्या है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए इतना कीचड़ है आप जा नहीं सकते। टाइम हो रहा है 3:40 और मैं सुबह आया था 11 बजे बैंक में, अभी तक बैंक में भूख लग चुका है। 4 दिन से बैंक में आ रहा हूँ फिर भी इतना काम नहीं हुआ, कल फिर आना पड़ेगा। कल बोला है कि कल सुबह फिर आना है। खिले आसमान हो और ऐसे सफेद सफेद बादल जब दिखाई देता है, दिल से एक ही आवाज निकलता है, वाह। और यहाँ पर जितनी भी गाड़ी जा रहे हैं सबको रोक के कोरोना टेस्ट हो रहा है, क्योंकि असम गवर्नमेंट का ऑर्डर है रोज 1 लाख कोरोना टेस्ट होना। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, वीडियो हो चुका है बहुत लंबा, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और ये वीडियो कैसा हुआ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह कर दो शेयर, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए बता देना, और मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।